हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में यूट्यूब चैनल के लिए यूनिक इंट्रो बनाना सिखाने वाला हूँ। ये जो एक कॉपीराइट फ्री है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इंट्रो बनाने के लिए आपको जो है काइनमास्टर पे जाना है। यहाँ पर गाइज आपको जो है प्लस आइकन पर क्लिक करना है, आपको जो है 16.9 में क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज देख सकते बैकग्राउंड है, आपको जो है ब्लैक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद गाइज मिनिमम गाइज आपको जो है 10 सेकेंड 11 सेकेंड रखना है। रखने के बाद गाइज आपको जो है स्टार्टिंग आना है, आपको जो है यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। सबसे पहले गाइज आपको अपना चैनल का लोगो लेना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपने अपना चैनल को लोगो सेव करके रखा है उसको आपको जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चैनल का नाम है S4 से आता है, तो गाइज यहाँ पर मैं जो एस लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से बराबर सेट करना है। बराबर सेट करने के बाद गाइज आपको जो है इसको फुल कर देना है। ये दोनों ब्लैक और येलो को आपको जो है बराबर मिला देना है। बराबर मिलाने के बाद गाइज फिर से आपको जो है लेयर पर जाना है, आपको जो है मीडिया पर जाना है। यहाँ से गाइज आपको जो है एक इंट्रो टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इंट्रो टेम्पलेट नहीं है तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके इंट्रो बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, ये जो है नॉन कॉपीराइट फ्री है, इसको आप गाइज 100% यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपको जो है मैं जो है ये इंट्रो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको जो इस पर क्लिक करना है, इसको आप जो है फुल कर देना है। फुल करने के बाद गाइज आपको जो है इंट्रो टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको जो क्रोमा की है, यहाँ पर गाइज इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर कलर है, आपको जो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, ठीक है। आपको जो इस तरह से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको जो इस तरह से देखने को मिलता है। लोगों को आपको जो बराबर मिला देना, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको जो क्या करना है, ये तीनों को बराबर मिला देना, ठीक है। जितना भी आगे का हिस्सा है आपको जो है ट्रिम लगा के इसको जो है आप डिलीट कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर जाना है। यहाँ से गाइज आपको अपना चैनल का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम डाल रहा हूँ, तो उसी तरह से गाइज आप जो आप अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं 0.2। उसके बाद गाइज फिर से आपको जो इस तरह से बराबर सेट कर देना है। अदरवाइज आप जो कोई कलर यूज़ करना चाहते थे, यहाँ पर कलर है, हाल फिलहाल मैं जो व्हाइट पे रखता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते एनिमेशन पे है, इस पर क्लिक करके गाइज आप जो कोई भी एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। आपको जो फास्ट सेट करना है, ठीक है। फिर से गाइज आपको जो भी आपका टेक्स्ट है गाइज इसको आपको जो है यहाँ पर ट्रिम लगा के इसको भी आपको जो सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइज फिर से आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं इस तरह से आपको जो बराबर सेट हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर देख सकते गाइज देखने में काफ़ी यूनिक टाइप का इंट्रो लग रहा है। इस तरह गाइज 4 या 5 मिनट के अंदर यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल टाइप के। गाइज ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।